जय माता दी दोस्तों, आज बनाते हैं भंडारे वाली या फिर आप कहें शादी वाली चप्पल कद्दू, या इस तरीके से आप टींडे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हरी सब्जी भी और हेल्दी भी। ये चप्पल कद्दू हम लेके आए थे, थोड़े से रोए वाले कच्चे कच्चे जो वो हैं लिए थे, उनको हमने छील लिया है, बारीक प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, और जो ये चप्पल कद्दू हमने लिए थे उनको मीडियम साइज का काट लिया है। कढ़ाई में लिया है तेल, सरसों का जीरा डाला, जीरा थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद प्याज डाल दी, वो प्याज अच्छे से भुन गई। और खास जो रेसिपी का सीक्रेट है वो ये है, पानी में लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च, और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। ये लगभग आधा किलो जो थे चप्पल कद्दू थे। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। ये जो फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे, ये जो खास इसका भंडारे का सीक्रेट है वो हमने डाल दिया है, मसाला जो हमने मिक्स किया था। खासकर मसाला जो है हम सिंपल वैसे डालते हैं चम्मच से, तब वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। इसमें हमने डाला है कटोरी में सारा मसाला मिक्स करके, और अब डाल दिया है ये जो चप्पल कद्दू या फिर टींडे की जो हमने काटे थे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो पानी डाल लें, नहीं तो ऐसे ही इन्हें फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, और उससे पहले कुछ देर हिलाएंगे ढकने से पहले, ताकि सारे मसाले उनके अंदर चले जाएं। और ढकने के बाद ये देखिए कितनी लाजवाब भंडारे जैसी सब्जी रेडी है। बच्चे रोटी के साथ ना खाएं तो पराठे के साथ, और पराठे के साथ ना खाएं तो पूरी के साथ इस हेल्दी रेसिपी का बच्चों को खिलाइए, और हरी सब्जी भी इसी बहाने खा सकेंगे बच्चे। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को।